इज अ मोस्ट क्रिएटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी क्रिएटिव मूव एंड दे आर वेरी एंजॉयिंग. आई विल गिव हिम 5 स्टार्स. रियली रियली द स्टोरी इज अ वेरी ग्रेट. दैट्स व्हाई आई लाइक इट. थैंक यू सर. थैंक यू. बढ़िया जी. पिक्चर कैसी लगी? ठीक है, बहुत अच्छी. स्टोरी कैसी पिक्चर की? एक नंबर. भाई कैसी लगी मूवी? ठीक है, ठीक. मूवी कैसी लगी सर? एक नंबर. पिक्चर भाई बहुत अच्छी है. स्टोरी कैसी है? लव स्टोरी भी है, फाइट भी है, दोनों. कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. स्टोरी कैसी पिक्चर की? बहुत अच्छी. लोगों ने स्टोरी फीकी फाकी सी है, मजा नहीं आ रहा है? नहीं, देखने लायक जैसी. देखने लायक. पास में से कितने गुण देना चाहेंगे आप? हाँ, पास में से अगर गुणों की बात करें तो गुण कितने देंगे आप? 4. थैंक यू. मैडम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी. स्टोरी कैसी पिक्चर की? स्टोरी एक नंबर. लोगों ने स्टोरी फीकी फाकी सी है. अपन वोट डालेगा. भाई कैसी लगी मूवी? माइंड ब्लोइंग मूवी. अच्छी थी मूवी. स्टोरी कैसी पिक्चर की? बहुत अच्छी. सुपर हिट है, सुपर हिट है. कैसी लगी भाई? मस्त है भाई. पिक्चर की नंबर वन. अच्छी है भाई. नाइस नाइस नाइस. ऐसा पूछ रहा हूं कैसी लगी मूवी? अच्छी फिल्म है. अच्छी है. स्टोरी कैसी पिक्चर की? स्टोरी अच्छी. अच्छी है. अच्छी. पसंद आई आपको? पसंद आई भाई. क्या लगता है हिंदी बेल्ट में चलेगी पिक्चर ये? हिंदी में चलेगी भाई. चलेगी. लोग बोले स्टोरी फीकी फाकी. नहीं सही है भाई. सही. एक्शन वगैरह कैसे पिक्चर का? एक्शन अच्छा है. और काम विजय देवरकोंडा का काम कैसा लगा? काम अच्छा लगा. अच्छा है. शुक्रिया. तो चलो भाई कैसे बेस्ट मूवी में? मूवी एकदम अच्छा बढ़िया बना है. उसकी आगे कोई पिक्चर ऐसी आएगी नहीं और आना भी चाहिए तो इससे जैसा बढ़िया नहीं बन सकता. मिक्सिंग ही बन सकती है. बाजू में भले डैडी लगे. हाँ, डैडी के पीछे लगे है वो तो बनी है. दबंग बनी है तो मस्त बन है. मैं दोबारा आया देखने के लिए. झूठ नहीं बोल रहा हूँ. क्या बात है. क्या इतना पसंद क्या जो मतलब जो एक्टिंग जो एक्शन और जो उसमें जो म्यूजिक दिया है ना एकदम एकदम धमाकेदार दिया. एकदम धमाका मचा दिया कि आदमी मतलब वो खोजते रहे कि उसमें कुछ है कोई बात है. और एक्टर तो बहुत ही बढ़िया है. सभी एक्टर अच्छे हैं. क्या बात है. सभी ने अपने दिल से अपने मन से और अपने तन से और जी जान लगा के मेहनत करके मूवी बनाई. आपको किसका सबसे ज़्यादा मेहनत पसंद है? सबसे ज़्यादा उनकी मम्मी का. रामकृष्ण का. हाँ. क्या बात है. जो हीरो दिखाई दिए उनका कैसा आपको? वो तो लोग एकदम मस्त बनाए उन्होंने. जो लोग एकदम रेम्बो रेम्बो से भी एकदम सही किया है. अरे बाप रे, रेम्बो को टच कर दिया. हाँ, रेम्बो को टच. सही बोल रहा हूँ. क्या लगता है ये ऐसी पिक्चर जो मतलब अभी बनाई जा रही है जैसे धर्मा प्रोडक्शन को लोग बहुत ये सवाल उठा रहे की काई के लिए मूवीज वगैरह बना रहे, स्टोरी ग्रिपिंग नहीं है, स्टोरी अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी. क्या ख्याल रहेगा? देखो अभी थोड़ा तो मिक्स मसाला मारना ही पड़ेगा. अभी सीन सीने तो दिखानी पड़ेगी. अगर स्टोरी चाहिए तो उसके लिए कुछ कलाकारी भी चाहिए, कुछ संगीत भी चाहिए, कुछ अदाएँ भी चाहिए, कुछ एक्शन भी चाहिए, कुछ और पार्ट भी चाहिए, तब जाके वो मूवी बनती है और उसका फ्रेम बनता है. तो सबको एक ही नज़रों से देखा नहीं जाता. सबकी नज़रें मिला के जब भी स्टूडियो खड़ा होता है तब जाके मूवी तैयार होती है. उससे और ज़्यादा क्या बोलूँ सर. क्या बात है. जिस तरीके से जो पूरी जगन्नाथ अपने डायरेक्शन के लिए हमेशा फेमस है, जिसने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट कितने सीन्स है या फिर फ्रेम टू फ्रेम जैसे मतलब दिखाया दर्शाया गया उसके बारे में कहना क्या है? वो तो एकदम है, पार्ट टू पार्ट है. हाँ. पर बढ़िया किया है. उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है. हाँ. मिक्सिंग लगता भी नहीं. हाँ. मिक्सिंग जोड़ा गया है. हाँ. पर उसको आउटडोर करके एकदम एक्टिंग में लिया है. एकदम रहेगा. पांडे भी इसमें है जो हीरोइन. हाँ, बहुत अच्छा काम किया. एकदम वेल डन काम किया. मानता हूँ. क्या बात है. दिल से मानता हूँ क्योंकि हर इंसान गलत नज़र से देखे अपने उन्हें अपना अपमान इन्हें निछावट करके अपनी कला दिखा दी उभर के. तो इसलिए ये मूवी और भी चलेगी. क्या बात है. खाली नहीं जाएगा थिएटर. लास्ट सवाल है सर, जो लास्ट में आते हैं ना जिन माइक टायसन जो इंटरनेशनल खिलाड़ी रहते हैं, अरे उन्होंने तो ऐसा लगता है मेन डायरेक्टर वही है. जिस तरीके से उनका किरदार. नहीं नहीं, बहुत अच्छा किरदार. हाँ. किया. और वो लास्ट का जो पार्ट था ना. हाँ. पूरा पिक्चर को कवर कर दिया. पूरा पिक्चर का हैंड टू हैंड ऐसा खींच लिया. मन उसमें एक कहानी अच्छी लगी जो उनके पिताजी मर जाते हैं तो पिताजी के लिए बेटा बन के वो करता है. वो हौसला बहुत अच्छा लगा. और माँ का साथ दे रहे हैं. Exactly. लास्ट सवाल है सर, 5 में से कितने स्टार देंगे आप? हाँ, अगर गुणों की बात करें 5 में से कितने गुण देना चाहेंगे? मैं तो पूरे 5 ही दे दूंगा. क्या बात है सर. थैंक यू सो मच सर.